क्या आप जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म की डायग्नोसिस कैसे होती है? होलिस्टिक अप्रोच से ऑटिज्म के सभी पक्षों का डिटेल इवैल्यूएशन करके कैसे एक बेटर इंटरवेंशन प्लान बनाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के राय। आज हम बात करेंगे कि होलिस्टिक अप्रोच से ऑटिज्म का डायग्नोसिस कैसे करके एक बेहतर इंटरवेंशन प्लान बना करके अपने बच्चे का बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑटिज्म की डायग्नोसिस में तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसमें कि पेरेंट्स और टीचर इन्वॉल्व होते हैं। वे पहली बार नोटिस करते हैं कि उनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद से स्क्रीनिंग टूल्स की हेल्प से डेवलपमेंटल डिले डिफाइन कर पाते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल है या तो इसके लिए आप द बेस्ट हेल्थ ऐप की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें 20 आसान सवालों के जवाब दे करके फ्री में आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा स्टेज है रेफरल स्टेज। रेफरल स्टेज में बच्चे को पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। वे ऑडियोमेट्री टेस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर की हेल्प से बच्चे का डिटेल इवैल्यूएशन करते हैं। इस इवैल्यूएशन में भी दो पार्ट होते हैं, मेडिकल इवैल्यूएशन एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन। एजुकेशनल इवैल्यूएशन को हम पहले भी कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए किसी मेडिकल डायग्नोसिस की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा स्टेज होता है इवैल्यूएशन स्टेज। इवैल्यूएशन स्टेज में भी दो पार्ट होते हैं। पहला पेरेंटल इंटरव्यू, जिसमें माता पिता से बच्चे के जन्म से संबंधित, उसके विकास से संबंधित और उसके बीमारियों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जबकि दूसरा स्टेज होता है ऑब्जर्वेशनल स्टेज। इसमें क्लिनिशियन बच्चे को ऑब्जर्व करके डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके बाद से इंटरवेंशंस रिकमेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इवैल्यूएशन का डिटेल में कैसे स्टेप वाइज स्टेप हम करते हैं। सबसे पहले इंटरवेंशंस में एंड इवैल्यूएशंस में सबसे पहले हम जो करते हैं वो है ऑडियोमेट्री टेस्ट या हियरिंग स्क्रीनिंग। हियरिंग स्क्रीनिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यदि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसकी लर्निंग डिफिकल्टी आएगी, बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी और उसके सोशलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ऑडियोमेट्री टेस्ट करा करके हम एश्योर करते हैं कि बच्चे को कोई हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा स्टेज होता है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग या कोग्निटिव फंक्शनिंग स्क्रीनिंग। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बच्चे का डिटेल्ड डेवलपमेंटल स्टेटस चेक करते हैं, जो हमें इंटरवेंशन प्लान करने में हेल्प करता है। इसमें बच्चे का आईक्यू चेक करते हैं। यदि बच्चे का एज 6 साल से कम है तो यूजुअली आईक्यू चेंज होता रहता है, लेकिन 6 साल से ऊपर पे सामान्यतः आईक्यू फिक्स हो जाता है। अगला स्टेज है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी स्क्रीनिंग। इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बच्चे के साथ खेलते हैं, उसके लिए वो टॉयज यूज कर सकते हैं, इमेजेज यूज करते हैं, पजल्स यूज करते हैं और ये असेस करते हैं कि बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लैंग्वेज में बच्चा एक्सप्रेसिव है कि नहीं, और यानी अपने आप को व्यक्त कर पाता है कि नहीं, और दूसरों की बातों को समझ पाता है कि नहीं। बच्चे के बोलने की स्पीच टोन, वॉल्यूम और पिच क्या है, आर्टिकुलेशन लेवल क्या है, बच्चा किसी और से हेल्प ले पाता है कि नहीं, अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद है अगला सेंसरी स्क्रीनिंग। सेंसरी स्क्रीनिंग को पहली बार 2013 में DSM-5 में इंक्लूड किया गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम के रूप में। DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल का 5th एडिशन है, जिसका उपयोग साइकेट्रिस्ट के द्वारा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में यूज किया जाता है। ASD की भी डायग्नोसिस DSM-5 के द्वारा ही किया जाता है। अगला है मोटर स्किल स्क्रीनिंग। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे की फाइन और ग्रास मोटर की इवेल्युएशन करते हैं। फाइन मोटर यानी फिंगर से रिलेटेड और ग्रास मोटर यानी लार्ज मसल से रिलेटेड लेवल को स्क्रीन किया जाता है। उसके बाद अगला जो लेवल है पेरेंटल इंटरव्यू। पेरेंटल इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चे के माता पिता से बच्चे के जन्म से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जैसे बच्चा प्री टर्म हुआ या फुल टर्म हुआ, बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी हुई या सीजेरियन हुआ, बच्चे का वेट नॉर्मल था या लो बर्थ वेट बेबी था, उसी तरह से बच्चे के माइलस्टोन्स नॉर्मल थे या डिलेड थे, बच्चे को दौरे तो नहीं पड़ते हैं, बच्चे को बेहोश तो नहीं हो जाता है, कोई
इन्फेक्शन के लिए उसे लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक तो नहीं दिया गया है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा बच्चे को कोई नींद से संबंधित समस्या तो नहीं है, बच्चा खाने पीने में चूजी तो नहीं है, स्पेसिफिक चीज़ें ही तो नहीं खाना चाहता, तो ये इन सारे सवालों का जवाब माता पिता से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो लेवल है जिसमें न्यूरो इमेजिंग टेस्टिंग करते हैं। यूजुअली न्यूरो इमेजिंग टेस्टिंग का बहुत अधिक रोल नहीं है, लेकिन फिर भी फंक्शनल MRI और EEG कुछ केसेज में डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। अगला जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखी जाती है, बच्चे का गोल ओरिएंटेड स्किल देखी जाती है कि बच्चा एक गोल डिसाइड करके उस तक पहुंचने में कितना सक्षम है। इसमें प्रॉब्लम होने पे बच्चा होमवर्क प्रॉपर नहीं कर पाता, स्कूल वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता है, अपने इमोशंस को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाता है। उसके बाद अगला जो स्किल है वो है कि बच्चे की सेल्फ डिपेंडेंसी कितनी है, बच्चा सेल्फ हेल्प स्किल में कितना स्ट्रांग है, बच्चा अपने वर्क स्किल में कितना स्ट्रांग है, बच्चे की राइटिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इन सभी पक्षों का डिटेल इवेल्युएशन करने के बाद हम होलिस्टिक अप्रोच से डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके बाद से हम एक बेटर ट्रीटमेंट प्लान या इंटरवेंशन प्लान करते हैं जिससे कि बच्चे का बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। यदि आप होलिस्टिक अप्रोच से डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन प्लान चाहते हैं तो आप चाहें तो द बेस्ट हेल्थ से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं या 9773935777 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और द बेस्ट हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो द होलिस्टिक अप्रोच सीरीज का जो तीसरा वीडियो होगा वो भी जो होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट पर बेस्ड होगा हम जल्दी ही लाने वाले हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जो होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट पर होगा अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।